क्लास 7th वी हैव डिस्कस सेकंड चैप्टर द रीजनल किंगडम्स टिल देन एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स नाउ टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट फ्यू पेज दिस ए लास्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेज ऑन दैट डे वी हैव डिस्कस अबाउट what the administration in regional kingdoms. Now today we will discuss next point. One such instance was that of Rashtrakutas in Deccan who were the subordinates of Chalukyas. Ek aur bahut bada point tha, Rashtrakut jo dynasty thi Deccan ki, ye Chalukyo ke subordinate thi. द राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत महान राजा था दंती दुर्गा ओवरथ्रू द चालुक्या ओवर लॉर्डशिप एंड बिकेम इंडिपेंडेंट. इसने क्या किया, चालुक्यों को हटा दिया, हरा दिया और फिर ये जो है एक स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना कर ली. द किंग हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल. राजा ही उस एरिया का मुख्य होता था, चीफ होता था और लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था को मेंटेन करता था स्टेट में और लोगों के वेलफेयर यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता था. ही हैड टू लेड द आर्मी इन टाइम्स ऑफ वॉर. उसने एक अपनी आर्मी बना रखी थी और राजा के ही नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती थी. द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल हीज मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राजा को टैक्स रेवेन्यू की वसूली करने का अधिकार था और इससे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था जो कि जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती थी, उसको उस टैक्स के पैसे से पूरा करता था. द किंग गेव लैंड टू द ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोकल चीफ एंड ट्राइबल लीडर्स इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज द किंग कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड आल्सो आस्क्ड फॉर कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स ड्यूरिंग वॉर. राजा जो होता था ये ब्राह्मण को भूमि देता था, सरकारी अधिकारियों को जमीन देता था, लोकल चीफ्स को जमीन देता था, जो जनजातीय लीडर होते थे उनको जमीन देता था, कैश सैलरी नहीं देता था वो, और इसके बदले में वो लैंड रेवेन्यू की भूमि टैक्स भूमि कर की वसूली करता था और इसके बदले में वो वार के समय में युद्ध के समय में इनकी सहायता लेता था. ब्राह्मण्स डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर देयर लैंड. ब्राह्मण को तो टैक्स पे करने के लिए कभी नहीं कहा जाता था, ब्राह्मण को टैक्स देना अनिवार्य नहीं था, ब्राह्मण को टैक्स नहीं देना पड़ता था. The land was cultivated by laborers. जो जमीन होती थी उसकी खेती मजदूरों से कराई जाती थी. They wrote accounts about the kings and performed religious ceremony. और इनके बारे में यह भी लिखा गया है कि राजा जो होता था वो धार्मिक समारोहों में परफॉर्म करता था, उपस्थित होता था, उसका आयोजन करवाता था. दे also brought मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन. वो राजा के पास जो होता था ज्यादा से ज्यादा लैंड कल्टिवेशन के लिए होती थी. द पीजेंट हर्डर्स आर्टिसियंस हैड टू गिव ए पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू किंग. जो किसान होते थे और जो आर्टिसियंस होते थे इन लोगों को अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था. देवर claimed as rent, जिसको आपकी रेंट कह सकते हैं, किराया कह सकते हैं. The traders also paid tax. व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता था. Village was an important unit of administration, looked after by the village headman. Village यानी गांव जो होता था, गांव में भी प्रशासन किया जाता था, प्रशासन का एक केंद्र भी होता था और इसकी देखरेख का जो जरिया होता था गांव का मुखिया, गांव का मुखिया गांव की देखरेख करता था.
The village had various committees to look after local schools, water tanks, temples and roads. जो गांव का मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो एक कमेटी बनाए, और ये कमेटी क्या करती थी, कमेटी वहाँ पर स्कूल में लोकल स्कूल इस्टेब्लिश करती थी, वाटर टैंक यानी पानी के लिए व्यवस्था कराना, कुओं की व्यवस्था कराना करता था, मंदिरों की व्यवस्था करता था, रोड की व्यवस्था कमेटी करती थी और ये मुखिया की देखरेख में होता था. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस. और गांव का प्रशासन इसी क्रम में भारत की आज़ादी तक चलता रहा. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है गजनवीज. इन 10th सेंचुरी टर्किश कंक्वायर कैप्चर्ड गजनी नाउ इन अफगानिस्तान एंड फाउंडेड द गजनवीज डायनेस्टी. 10th सेंचुरी में एक टर्किश विजेता था जिसने कि गजनी को कैप्चर कर लिया. गजनी है कहाँ, आज की डेट में गजनी जो है ये अफगानिस्तान में है. तो एक टर्किश यानी कि टर्किश था, तुर्क था, जो कि गजनी को इसने जीत लिया. गजनी आज की डेट में अफगानिस्तान में है और वहाँ पर उसने गजनवी डायनेस्टी यानी गजनवी राज गजनवी जो है वंश की स्थापना की. सुल्तान महमूद वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. और गजनवी डायनेस्टी वंश की जो मुख्य जिसको इसका फेमस लीडर था उसका नाम था सुल्तान महमूद. द पोलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ इंडिया इनकरेज महमूद टू इन्वेड इंडिया. भारत में राजनीतिक एकता ना होने के कारण से महमूद इस बात के लिए उत्साहित हुआ और इसने इंडिया में आक्रमण किया. महमूद रेड इंडिया 17 टाइम्स. और महमूद ने इंडिया में 17 टाइम यानी कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया. और ये आक्रमण का जो टाइम था 1027 AD तक के बीच में ये था. ही प्लंडर्ड मेनी सिटीज पैलेसेज एंड हीज मेन टारगेट्स वर वेल्थी टेम्पल्स. इसने भारत के शहरों को लूटा, महलों को लूटा, और उसका मुख्य टारगेट भारत के मंदिर होते थे, टेम्पल्स होते थे, जहां पर उसने खूब लूटपाट मचा करके खूब सारा धन गोल्ड ये सब लूटा. टू ऑफ हिज इन फेमस अटैक्स वर ऑन कन्नौज इन 1018 AD एंड द लूटिंग ऑफ फेमस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन 1025 AD. इसकी जो बहुत ही अप्रिय दो अटैक थे जिसको कि बहुत आलोचना की जाती है, एक तो कन्नौज पे था, इसने 1018 AD में अटैक किया था, कन्नौज को लूटा था, और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी लूट थी जो कि बहुत अप्रिय घटना कही जाती है, जिसको बहुत गलत किया था इसने, वो सोमनाथ टेम्पल गुजरात को लूटा था 1025 में. इन कंपेन अगेंस्ट कन्नौज ही प्लंडर्ड मथुरा एंड कन्नौज. कन्नौज की जीत में इसने मथुरा को भी लूटा और कन्नौज को भी लूटा. ही ऑल्सो लूटेड द फेबुलसली रिच टेम्पल एट सोमनाथ विदाउट इनकाउंटरिंग एनी सीरियस रेजिस्टेंस. और इसने जो है इस क्रम में भारत के सबसे रिच टेम्पल, धनी टेम्पल में माना जाता था, धनी मंदिर माना जाता था सोमनाथ, गुजरात भगवान शिव का मंदिर है, इसको इसने बहुत गंभीरता से लूटा और यहाँ काफ़ी सामग्री लूट लिया. ही कुड लूट एंड प्लंडर सो इजली बिकॉज नो स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जिस्ट इन नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम. और इसने बहुत आसानी से लूटा क्योंकि उस समय वहाँ पर इसका विरोध करने वाला कोई ताकत वाली पावर नहीं थी. महमूद यूज्ड दिस मैसिव वेल्थ दैट ही कैरीड फ्रॉम इंडिया टू बिल्ट ए मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी एट गजनी. और उसके बाद इस खूब सारी धन संपदा को लूट करके वो लेके पहुंचा गजनी अफगानिस्तान. और इसने जो है अपनी एक बहुत अच्छी और सुंदर और धनवान अच्छी राजधानी बनाई गजनी में. अल बरूनी उस समय का लेखक था महमूद गजनी के समय में, उसने अल बरूनी ए ग्रेट स्कॉलर हु हैड एकम्पनीड महमूद गजनी इन हीज अटैक्स ऑन इंडिया हैज रिटन ए बुक इन द अरबिक लैंग्वेज कॉल्ड किताब उल हिंद विच गिव अस ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर.
अल बरूनी महमूद गजनी के समय का लेखक था। वो महमूद गजनवी के साथ इंडिया में आया था और उसने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ अपनी एक बुक अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था किताबुल हिंद। इसमें काफ़ी कुछ महमूद गजनवी के बारे में लिखा, उसने भारत को कैसे लूटा इसके बारे में भी लिखा और उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। भारत की सोसाइटी उस समय कैसी थी, भारत का समाज सभ्यता कैसा था, इस बारे में भी अल बरूनी ने काफ़ी कुछ लिखा है अपनी बुक किताबुल हिंद में। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट हो गया और इस सेकेंड चैप्टर रीजनल किंगडम कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप अगले कुछ अच्छे वीडियोस और भी पा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ा और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि महमूद गजनी के बारे में पढ़ा, जिसने भारत को 17 बार लूटा। भारत ऐसे ही नहीं बर्बाद हुआ, भारत को विदेशियों ने खूब लूटा, यहाँ की धन संपदा लूट करके अपने देश में ले गए। भारत को पहले गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत खूब लूटा है। ओके, थैंक यू।